नमस्कार दोस्तों। तो क्या सचमुच में धरती पर बचेगी तबाही? वैज्ञानिकों ने बताया कब आएगा प्रलय और क्या होगी इसकी वजह, तो आइए जानते हैं। दुनिया में समय समय पर नई नई नेचुरल डिजास्टर्स आती रहती है और इन डिजास्टर्स को लेकर साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक समय समय पर चेतावनी भी देते रहते हैं। इसके बीच वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से धरती के तबाह होने का दावा किया है। जी हाँ, इसके साथ ही वैज्ञानिक ने बताया है कि किस वजह से धरती का अंत होगा और कब होगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूरज की वजह से धरती का अंत होगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये दावा किया है कि, और उनका कहना भी है कि कुछ सालों के बाद सूरज फट जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी समेत पूरा यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक सूर्य अभी अपनी जवानी में है। उनका कहना यह भी है कि करीब 5 अरब साल बाद सूर्य में विस्फोट होगा। सूर्य के ब्लास्ट होने की वजह से धरती खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कई खुलासे किए हैं, तो आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। पहला, एस्ट्रोनोमर पुआलो टेस्टा का कहना है कि सूरज की उम्र 5 अरब साल से थोड़ी कम है। उनका कहना है कि सूर्य एक तरह से मिडल स्क्वायर स्टार है। रिसर्च के मुताबिक सूरज का जीवन 10 अरब साल या उससे ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, अन्य ग्रहों पर क्या होगा प्रभाव जब सूर्य का विस्फोट होगा, तो आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूरज में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम नहीं करेगा। हालांकि ऐसा 5 बिलियन साल बाद होगा, पर इसकी वजह से सूरज से गर्मी उत्पन्न नहीं होगी। इसकी वजह से दूसरे ग्रह भी ठंडे पड़ जाएंगे। सूर्य के पड़ोसी बुध और शुक्र खत्म हो जाएंगे। इनके साथ ही धरती भी नष्ट हो जाएगी। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक जितना बड़ा तारा होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। सितारों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की उम्र अरबों साल तक होती है। वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि सूरज के अंत के समय महासागर सूख जाएंगे और इंसान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।